वेलकम बैक क्लास। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, ये वीडियो हमारी वेक्टर की थर्ड वीडियो रहेगी आपकी, जिसमें कि आपको टाइप हम वन पहली वीडियो में कर चुके थे। वैसे तो पहले जो हमारी वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसके बाद हमने टाइप वन की एक वीडियो की जिसमें ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फेस के वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किया था हमने बार बार। उसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो देखी उसमें मैंने आपको जो मेरे असाइनमेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग टाइप 2, 3, 4, 5 के क्वेश्चंस करवाए थे। क्लियर बेटा? तो आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें इस टाइप से जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको प्रोसीड करेंगे। असाइनमेंट मैंने आपको पहले भी शेयर किए थे, मैं आज रीशेयर कर दूंगा आपको। तो जो हमारी फर्दर टाइप्स हैं आज हम उनको स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक टाइप है जिसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी सब टाइप सीजिए बेटा। तो मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा, टाइप लिखूंगा, देन सी दीजिए। देख लव सी बेटा, सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन जो हमने 11th में किया था ये पोर्शन, और ये जो हमने 12th में पढ़ा था ये पोर्शन। 11th में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये चार इनइक्वालिटी के रिजल्ट पढ़े थे। इफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो एंड सो ऑन। इन चारों के बेटा रिजल्ट दे रखे हैं, मैंने आपको याद करने के तरीके भी 11th में बताए थे। अगर आपको पूछना हो तो मैं आपको उससे ऑडियो में पूछ लीजिएगा, आई विल टेल यू। जब अगर आपको रिजल्ट्स आते हैं तो एक हमारे इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट रहेगी एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये भी हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली। अगर मुझे ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना हो देन यूजिंग कोस आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यूजिंग साइन आई विल गो विद दिस फॉर्मूला। ठीक है बेटा? नाउ दिस एंगल पोर्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, इफ द एंगल इज एक्यूट, इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड इफ द एंगल इज राइट एंगल। अगर एंगल एक्यूट रहेगा, एक्यूट मींस 0 टू 90 के इन बिटवीन रहेगा बेटा, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, पॉजिटिव, this will be positive, और ये magnitude है, these are always positive, so positive की positive से multiply करेंगे, so a dot b will be positive, so a dot b is greater than zero, clear बेटा? Now obtuse angle, so what is the range for obtuse angle? That is 90 to 180, that means second quadrant, in second quadrant cos will be negative, और अगर ये negative हो, तो ये तो positive है always, तो इन positive की negative से multiply करेंगे, so a dot b will be negative, so it is less than zero. And in case of right angle, when the angle is 90 degree, so cos 90 is 0, and when 0 is multiplied by these values, A dot B will be 0. ठीक है बेटा? So now let's proceed our next question. क्या लिखा? Find x for which the angle between A and B. ये जो आपको vectors दे रखे हैं, हमें इनके बीच में जो angle है, अगर वो acute दे रखा हो, तो x की value क्या होगी? Obtuse दे रखा हो, तो x की value क्या होगी? और right angle दे रखा हो, तो x की value क्या होगी? ठीक है बेटा? तो मैं एक बार अगर हेडिंग ही बना लूं, अगर मैं आपसे लिख दूं एक्यूट एंगल, सेकंड केस में हम लिख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और थर्ड केस हम बना लेंगे बेटा राइट एंगल। लीजिए मैंने कैटेगरी बना ली है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड देन राइट एंगल बेटा। सो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल यू नीड टू डायरेक्टली ऑपरेट ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो। सो बेटा ए डॉट बी करेंगे आई 2 × 7 दैट इज 14x² J 4 × 2, so it is -8x, and यहाँ पर coefficient है 1 × x, that is x, so plus x greater than 0. तो क्या बना? 14x² -7x greater than 0. ठीक है बेटा? ये सारा question क्या बना? A dot B is greater than 0. In case of obtuse, this will be A dot B less than 0. So A dot B will be less than 0, so A dot B तो यही आएगा बेटा 14x² -7x, so it is less than 0. ठीक है बेटा? And in case of right angle, this will be equal to 0. वो तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, equal to 0, there is no difference. अब इस क्वेश्चन को मैं इन फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म करूंगा, लेकिन वहां पर आपको एक कंडीशन का ध्यान देना है। इन सारे रिजल्ट्स में हमने क्या ले रखा है, अल्फा इज लेस देन बीटा, मतलब जो हमारी दो वैल्यूज में से जो छोटी वैल्यू रहेगी उसको हम अल्फा कंसीडर करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको बीटा कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड करूं, सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल लीजिए बेटा, क्या कॉमन आ रहा है बेटा इसमें से, 7x इज कॉमन, 7x कॉमन निकाल लिया, सो 2x -1 ग्रेटर देन 0, 7 तो डिवाइड में चला जाएगा, सो x * 2x -1 ग्रेटर देन 0। क्लियर बेटा? अब यहां पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। x बेटा x में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो इसको तो मैं लिख लूंगा x माइनस 0, सो इसको मैं क्या लिख लिया, x माइनस 0, नो कंसर्न। लेकिन यहां कंसर्न है, यहां कंसर्न क्यों है,
यहां पर आपको एक टू दिखाई दे रहा है और यहां पर जितने भी एक्स हैं ये इन सब का कोफिशियंट कितना है बेटा वन। सो हमें क्या करना है, इस टू को कॉमन निकालना है। टू कॉमन निकाल लीजिए, टू कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या रह जाएगा एक्स माइनस वन बाय टू, ये बचेगा बेटा। अब ये टू तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बना वो क्या बना, एक्स माइनस जीरो एंड एक्स माइनस वन बाय टू ग्रेटर देन जीरो। अब आप इस रिजल्ट को अपने वो जो आपके पास रिजल्ट्स हैं उनमें से कंपेयर करें, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ हमारे पास दो वैल्यूज है माइनस के बाद, हमेशा ध्यान करना माइनस के बाद वाली वैल्यूज कंसिडर करनी है। माइनस के बाद एक जीरो और एक वन बाय टू विच इज स्मॉलर जीरो, भाई हमारी दो वैल्यू आई, एक आई है जीरो और एक आई है वन बाय, सो जीरो इज स्मॉलर। पर अगर जीरो स्मॉलर है तो वहां पर उनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, क्लियर बेटा। तो हमारा इनमें से कौन सा रिजल्ट अप्लाई हो रहा है, दिस वन, तो एक्स कहां से बिलोंग करेगा, देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, सो माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड यूनियन वन बाय टू टू इंफिनिटी। सो इन केस ऑफ एक्यूट एंगल दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। अब यहां पर ध्यान कर लेना, ये आपको वैसे तो 11th में ही बताया था मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट आ रही है और अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आ रही है, क्लोज इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट आ रही है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। अब ये रिजल्ट यही था, अगर मैं इसको ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करूं तो ये रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, भाई कैलकुलेशन तो यही होंगे ना, तो ये रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, दिस विल बी एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस वन बाय टू, यहां पर क्या है लेस देन जीरो। नाउ एक्स माइनस अल्फा दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, सो दिस विल बी द रिजल्ट, एक्स कहां से बिलोंग करेगा अल्फा टू बीटा, तो इस केस में एक्स कहां से बिलोंग करेगा जीरो टू वन बाय टू। बाकी ये कैलकुलेशन ये सेम एज इट इज यहां होगा, आई होप क्लियर टू यू ऑल। और इसके बाद जो आपका जो लास्ट पोर्शन बचता है, उस लास्ट पोर्शन का जो हमारा हेडिंग रहेगा दैट वाज राइट एंगल बेटा। अब इस राइट एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोसीड करूं तो राइट एंगल में क्या बनेगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो। अब ए डॉट बी क्या आया है 14x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू जीरो, इसको तो हर कोई सोल्व कर सकता है बेटा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। 7x 2x minus 1 equal to 0, 7 divide में चला जाएगा, so x into 2x minus 1 equal to 0, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, ये बड़े ध्यान से apply करना, a into b, बेटा अगर a into b equal to 0 है तो क्या result बनते हैं, either a equal to 0 और b equal to 0, तो इसके according अगर हम देखें तो या तो x 0 के equal हो रहा है या 2x minus 1 equal to 0, तो एक वैल्यू तो आ गई है और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 1 by 2, so these are the answers. Clear बेटा? So I hope ये question आपको clear हुआ होगा, time आपको clear हुई होगी. This is type number 6. अगर आपको उसने जो conditions दे रखी हो, तो vector दे रखी हो, इनके बीच में acute angle हो तो ऐसे proceed करेंगे, obtuse angle हो तो ऐसे proceed करेंगे, and in case of right angle we need to proceed like this. ठीक है बेटा? इन results को ध्यान रखिएगा. अगर आप इनमें कॉमन रिलेशन देखें तो आप वो वैल्यू जो आपकी आ रही है कौन सी, जैसे आपकी दो वैल्यू आई है इक्वल टू जीरो और वन बाय टू, तो ये सारा क्वेश्चन जीरो और वन बाय टू के इर्द गिर्द ही हो रहा है। तो अगर आपको रिजल्ट्स डायरेक्ट प्लान करने हो इक्वल टू के जीरो से वैल्यू निकाल के, तो आप इनको डायरेक्ट भी प्लान कर सकते हैं। बस इसमें स्पेशली क्या ध्यान देना है, अगर बाई चांस आपके किसी क्वेश्चन में ये एक्स नेगेटिव हो तो उस एक्स को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक आपको चीज बता देता हूं, ये भी एक बार इसको भी सुन लीजिएगा ताकि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ट्रांसफॉर्म कर सको। अगर आपका कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये आ गया। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बनेगा 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई किया। इसके बाद एक्स प्लस 2 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस 2, 2 माइनस एक्स को हमें लिखने में दिक्कत आएगी, अगर मैं एक्स माइनस 2 लिखता हूं तो माइनस कॉमन निकालनी पड़ेगी, मैंने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन निकाल दी। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर एक्स पॉजिटिव रखना है, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव,
एक्स पॉजिटिव रखना है, एक्स पॉजिटिव आ चुका है लेकिन यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है। अब ये माइनस परेशान कर रही है, यहाँ तो माइनस नहीं है, तो अगर मैं माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, आपको ध्यान होगा इलेवंथ में किया था, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो इनइक्वालिटी का अगर आप साइन चेंज करेंगे तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ये लेस देन जीरो, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है कि आपका जो वेरिएबल है वो नेगेटिव बने और उसका कोफिशियंट क्या बने, वन बने, एक्स का कोफिशियंट वन है। अब भी इसमें छोटी सी गुंजाइश है, क्या गुंजाइश है, यहां प्लस है यहां माइनस है, इनमें हर जगह क्या चाहिए माइनस, तो मैं इसको दोबारा से स्प्लिट करूंगा, इसको मैं लिखूंगा एक्स माइनस माइनस टू, माइनस माइनस प्लस बनता बेटा, और एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, क्लियर। अब यहां पर अगर आप दो वैल्यू देखें तो कौन कौन सी दो वैल्यू आई, एक आई माइनस टू और एक आई टू, विच इज स्मॉलर, टू इज स्मॉलर, तो ये सॉरी माइनस टू इज स्मॉलर, सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन जीरो, तो x कहां से बिलोंग करेगा, अल्फा टू बीटा, तो x बिलोंग करेगा बेटा माइनस टू टू टू। दीज आर द ग्रुप ऑफ नंबर्स विच विल सेटिस्फाई दिस इन इक्वालिटी, क्लियर बेटा। तो आई होप यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप का जो एक आधा क्वेश्चन और है उसको मैं थोड़ा सा डिटेक्ट कर देता हूं ताकि आप उसको जब परफॉर्म करो, आप उसको सॉल्व करो तो आपको दिक्कत ना आए, बस इन बेसिक्स को ध्यान रखिएगा, बेसिक्स को नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। नाउ लिसन बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उसमें एक दो चीज एडिट की गई है। क्या हमें तीन मैट्रिक्स गिवन है, एंगल बिटवीन, अच्छा मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, ए और बी के बीच में एक्यूट एंगल है, क्लियर बेटा, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज ऑब्ट्यूज, और बी और सी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है, क्यों बड़ी बात है, पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तीन अलग अलग पार्ट थे, अगर एक्यूट एंगल हो ऑब्ट्यूज एंगल हो तो कैसे कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं हो तो कैसे करना है, सुनना। अब यहां पर उसने क्या दे रखा है, एंड, और ये एंड आपने 11th में पढ़ा था, एंड के लिए हम क्या यूज करते थे, इंटरसेक्शन, व्हेन देयर इज नो चॉइस, प्रोबेब में भी हमने किया है, और जब चॉइस नहीं होगी तो वहां पर क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। सो दैट मींस ए और बी के बीच में अगर एक्यूट एंगल है तो हमें क्या करना है, हमें लेना है ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो, और बी और सी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है, सो बी डॉट सी लेस देन जीरो, क्लियर बेटा, और इन दोनों के बीच में क्या है एंड, सो हमें अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और दोनों रिजल्ट्स के कॉमन इंटरसेक्शन लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सो ए डॉट बी क्या बनेगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड माइनस टू, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, फैक्टर करेंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, प्लस है माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स माइनस माइनस टू एंड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, सो ये क्या शो कर रहा है कि ये अल्फा और ये क्या है बीटा, सेकंड रिजल्ट अप्लाई होगा बेटा, और ये सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है कि यहां पर जो हमारा एक्स रहेगा वो कहां से बिलोंग करेगा, एक्स विल बिलोंग फ्रॉम माइनस टू टू सॉरी माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू एंड यूनियन टू टू इंफिनिटी, लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन डन, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट, बी डॉट सी, बी डॉट सी क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एंड माइनस फोर लेस देन जीरो, सो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन जीरो, सो फैक्टराइज एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, सो एक्स प्लस थ्री नाउ इट इज माइनस एंड माइनस, सो अगेन द सेम वे। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या क्या बनी बेटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट बन रहा है, एक्स कहां से बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस थ्री एंड यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, दिस क्लियर बेटा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये अब इस एंड का रूल है, एंड के लिए आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए नंबर लाइन बनाने की कोशिश कीजिए, लीजिए बेटा हमारी कौन कौन सी वैल्यूज है, माइनस टू एंड टू, मैंने लिखा माइनस टू और लिखा टू, यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज है, माइनस थ्री है, तो करें बेटा ऑपरेट माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, लेट इट बी माइनस इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, सो माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू एंड टू टू
इन्फिनिटी। पहले का रिजल्ट आया, दूसरे का रिजल्ट बनाइए बेटा। दूसरे का रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री, और फिर क्या बन रहा है, थ्री टू इन्फिनिटी। क्लियर बेटा? अब इनका आपने क्या निकालना है, कॉमन, कॉमन निकाल लीजिएगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन इतना कॉमन है अगर आप देख सकते हैं तो, और यहां पर यहां से ये पोर्शन कॉमन है, और ये पोर्शन कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री एंड यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा? तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको आप इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर। और एक जो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और सुन लीजिएगा बेटा। अगर कभी आपको यूं लिख के दिया जाए कि आपको कोई वेक्टर दिया गया है और वो यूं कहे कि ये जो वेक्टर है, जैसे कि अगर मैं कहूं ये ए वेक्टर है एंड दिस मेक्स, आपको यूं कहे एक्यूट एंगल बना रहा है, या फिर जो भी कहे मेक एक्यूट एंगल। अब मेरा फोकस एक्यूट एंगल पे नहीं है, मेरा फोकस है बेटा इस पे। मैंने क्या लिखा, किसके साथ एंगल बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप देख सकते हैं जो एक्सिस वर्ड है दिस इज प्लूरल। अब कौन कौन सा आएगा, एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसका मतलब वो कहना चाह रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस। और यह आपको ध्यान होगा कि हमने जो आई जे के कैप वेक्टर लिए थे वो इन्हीं के अलोंग लिए थे, तो बेसिकली आपसे वो यूं कहना चाह रहा है आई कैप जे कैप और के कैप, मतलब यहां पर जो ये वेक्टर है वो आई के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। तो क्या लेंगे, ए डॉट आई ग्रेटर देन जीरो, ए डॉट जे ग्रेटर देन जीरो एंड ए डॉट के ग्रेटर देन जीरो। क्लियर बेटा? हमें ये तीन रिजल्ट लेके आगे बढ़ना है, वन टू एंड थ्री। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमें चॉइस नहीं दे रखी है, ऑल थिंग्स आर कंपलसरी, मतलब ये वेक्टर है वो तीनों के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, देयर इज नो चॉइस। और जब नो चॉइस नहीं रहेगी तो वी विल प्रोसीड विद एंड। एंड आई होप यू रिमेंबर द एंड कंसेप्ट जो हमने यहां किया। आपको ये तीनों रिजल्ट्स निकालने हैं और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है बेटा? तो ये थी आपकी टाइप नंबर सिक्स, और इसके बाद की जो टाइप्स हैं, टाइप सेवन एट नाइन टेन एंड सो ऑन, वेरी सिंपल वन, तो आप एक बार इनको ध्यान कीजिएगा बेटा। इस क्वेश्चन में छोटी सी करेक्शन रह गई है, वो मैंने अब देखा, वो ये करेक्शन रही कि अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन जीरो, सो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन जीरो, तो हमारा x यहां से बिलोंग करना चाहिए था अल्फा टू बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो बाय मिस्टेक मैंने ये रिजल्ट यूज कर लिया बेटा। तो मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट करने की जरूरत है बेटा। तो इस केस में जो x होगा वो कहां से बिलोंग करेगा बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू थ्री। ठीक है बेटा? अब अपडेट कर देते हैं हमारे रिजल्ट को। हमारा रिजल्ट क्या है, इनके बीच में एंड रहेगा तो हम नंबर लाइन पे जाते हैं। पहला नंबर है हमारा, एक माइनस टू है, एक टू रहेगा, एक थ्री, और एक रहेगा बेटा माइनस थ्री। इट इट बी माइनस इनफाइनाइट एंड इट इज प्लस इनफाइनाइट। तो नंबर लाइन पे अरेंज करें बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, माइनस थ्री टू थ्री ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं बेटा, माइनस थ्री टू थ्री ओपन इंटरवल एंड माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू एंड यूनियन टू टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा? ये केस बनेंगे, लेकिन इनके बीच में हमारे लिए कौन सा साइन है, एंड है, तो हम जाएंगे इंटरसेक्शन से। और इंटरसेक्शन से जाएंगे तो एक तो आपको ये कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है और एक यहां कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये कॉमन पोर्शन क्या बना, माइनस थ्री टू माइनस टू, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, सो वी विल गो फॉर ओपन एंड यूनियन एंड द फर्दर इज टू टू थ्री। ठीक है बेटा? सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बेटा? तो इस चीज को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका जो मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था उसमें छोटी सी करेक्शन थी। इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा, और बोल के याद करेंगे, फिर लिख के याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। प्लीज नोट डाउन बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में छोटी सी करेक्शन रह गई है, वो मैंने अब देखा, वो ये करेक्शन रही कि अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन जीरो, सो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन जीरो, तो हमारा x यहां से बिलोंग करना चाहिए था अल्फा टू बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो बाय मिस्टेक मैंने ये रिजल्ट यूज कर लिया बेटा। तो मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा,
ये करेक्ट करने की जरूरत है बेटा। तो इस केस में जो x होगा वो कहां से बिलोंग करेगा बेटा, x बिलोंग्स टू -323। ठीक है बेटा, अब अपडेट कर देते हैं हमारे रिजल्ट को। हमारा रिजल्ट क्या है, इनके बीच में एंड रहेगा तो हम नंबर लाइन पे जाते हैं। पहला नंबर है हमारा, एक -2 है, एक 2 रहेगा, एक 3 और एक रहेगा बेटा -3। इट विल बी माइनस इनफाइनाइट एंड इट इज प्लस इनफाइनाइट। तो नंबर लाइन पे अरेंज करें बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, -323 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं बेटा, -323 ओपन इंटरवल एंड -∞ टू -2 एंड यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ये केस बनेंगे। लेकिन इनके बीच में हमारे लिए कौन सा साइन है, एंड है, तो हम जाएंगे इंटरसेक्शन से। और इंटरसेक्शन से जाएंगे तो एक तो आपको ये कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है और एक यहां कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये कॉमन पोर्शन क्या बना, -3 टू -2, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है, सो वी विल गो फॉर ओपन एंड यूनियन एंड द फर्दर इज 2 टू 3। ठीक है बेटा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो इस चीज को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका जो मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था उसमें छोटी सी करेक्शन थी। इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा और बोल के याद करेंगे, फिर लिख के याद करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। प्लीज नोट डाउन बेटा।